नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज डेस्क बिहार। मैं हूं आपके साथ पूनम गुप्ता। खबर है फतुहा से, जहां गोविंदपुर इलाके के एक युवक के एटीएम कार्ड से लगभग 20,000 रुपए की निकासी जालसाजों ने कर ली है। इस संबंध में युवक ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। फिलहाल एटीएम से फर्जीवाड़े की घटना आए दिन बदस्तूर जारी है। वहीं कल फतुहा में ही स्टेट बैंक की शाखा में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शाखा प्रबंधक के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट की वजह से उत्पन्न हुए चिंगारियों ने आग का रूप धारण कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही मिनी दमकल गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। उधर बख्तियारपुर विधानसभा के निवर्तमान भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया ने चुनाव के बाद समीक्षा बैठक की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस बार भी बख्तियारपुर विधानसभा से भाजपा की जीत तय है। केंद्र सरकार की योजनाओं और बिहार सरकार के विकास कार्यों पर जनता ने मोहर लगा दी है। हम अपने जीत के प्रति स्वस्थ हैं। कल अपने पति की दीर्घायु जीवन के लिए सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ व्रत का अनुष्ठान किया है। जगह जगह दिन भर उपवास रखकर शाम के समय चंद्र उदय काल में चांद का दीदार कर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर इस व्रत को संपन्न किया है। बता दें कि रिपब्लिक भारत के एडिटर एंड चीफ को मुंबई पुलिस ने पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एडिटर एंड चीफ अर्णव गोस्वामी ने मीडिया के सामने मुंबई पुलिस की बर्बरता को दिखाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक भारत की आवाज को दबाना चाहती है। उसी को लेकर मेरे पुराने मामले में, जिसमें मैं दोष मुक्त हूँ, बावजूद पुलिस ने उसे आधार बनाकर जबरन मुझे गिरफ्तार की है, जबकि मैं बिना जूते का थाना में हूँ। मेरे साथ मारपीट की गई है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए कहीं से अच्छी बात नहीं है। उधर दनियामा के राजद कार्यालय में महागठबंधन के पदाधिकारियों ने एवं नेताओं ने चुनाव के बाद समीक्षा बैठक की, जिसमें बताया गया है कि राजद इस बार दनियामा खुसरूपुर से एक बड़े अंतर से लीड करेगी और बख्तियारपुर एवं काला दियारा जीत पक्की कराएगी। इन्हीं खबरों के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।